हेलो दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं डिवाइड कैसे किया जाता है। ठीक है, तो हमारा क्या है 16 डिवाइडेड बाय 2, तो मुझे कितने से 16 से डिवाइड करना 2 को। तो अगर मैं 2 और इसको लिखा कर जाता है डिवाइड में कितना 16। अब मुझे सबसे पहले 2 की टेबल आनी चाहिए, तो हमें 2 की टेबल आने के लिए क्या करना, हमें 2 1 2 होता है, 2 2 कितना होता है 4 होता है, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, 2 6 12, 2 7 14 और 2 8 16, 2 9 18 और 2 10 20। तो ये 2 की टेबल है। अब मुझे 2 की टेबल कहाँ तक बोलनी, 16 तक बोलनी। अगर मैं 2 की टेबल 16 तक बोलूँ तो हम देखेंगे 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, 2 6 12, 2 7 14, 2 8 कितना आया 2 8। तो यहाँ क्या लिखा जाता 8 और यहाँ 16, 2 8 कितना हो रहा, पूरा 16 हो रहा। तो आप 6 में 6 गए 0 और 1 में से 1 गए 0, तो ये पूरा हो गया, हमारा रिमाइंडर 0 आया, इट मीन्स हमारा क्वेश्चन पूरा हो गया। तो हमने कहा कि कितने टाइम जा रहा, 8 टाइम जा रहा। ठीक है, ऐसे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 का हमें कहाँ तक बोलना, 56 बोलना। 7 की टेबल मुझे कहाँ तक बोलनी, 56 तक बोलनी। कहाँ तक बोलनी, 56 तक। तो आप 7 की टेबल अगर बोलना शुरू करोगे तो क्या होगा, 7 1 कितना होता है 7 होता है, 7 2 कितना होता है 14 होता है, 7 3 कितना होता है 21, 7 4 28, ठीक है, और 7 5 35, 7 6 42, 7 7 49, 7 8 56। तो कितने टाइम जा रहा है हमारा, 7 8 56, कितने टाइम जा रहा, 7 8 56। हम क्या लिखेंगे, 7 8 56। तो इस ढंग से हमारे क्वेश्चन 6 में 6 है 0, 5 में 5 गए 0। तो इस ढंग से हम डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमारे पास कोई हो रहा होता भाई, जो 3 और ये कितना होता 16 होता, तो मुझे 3 की टेबल कहाँ तक बोलनी, 16 तक बोलनी। ठीक है, तो लेकिन 3 5 कितना होता 15 होता है, ठीक है, और 3 6 18, तो 18 हम लिख नहीं सकते, तो 3 5 15, तो 6 में से 5 गए 1 और ये 0। अब ये 3 है, ये 1 है, तो ये क्या माना जाता है, रिमाइंडर माना जाता है। क्या माना जाते, रिमाइंडर। ठीक है, तो थैंक यू।